अगर आप शिखर धवन हो आज के इंडियन क्रिकेट सेटअप में, तो आपको स्ट्रेस या इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं। टीम में से एक ही फॉर्मेट खेलना है आपको देश के लिए, और उस फॉर्मेट में आप टीम लिस्ट पे सबसे पहला नाम हो कप्तान के बाद। और फिर जब कप्तान और वाइस कप्तान रेस्ट लेते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं, तो सिलेक्टर्स आपको आंख बंद करके कप्तान बना देते हैं। हाँ ठीक है, एक बार कप्तान बनाकर सिलेक्टर्स ने दो दिन बाद आपको वाइस कैप्टन बना दिया था जब केएल राहुल अचानक फिट हो जाते हैं, बट इससे आपको कोई टेंशन नहीं है। आप मस्त रील्स बनाते गए हर जीत के बाद, और एक बार तो राहुल द्रविड़ से भी कैमियो निकलवा लिया। वाह वाह वाह। और देखो, जो भी वनडे टीम आप लीड करते हो उसमें ज्यादातर युवा खिलाड़ी हैं या फ्रिंच प्लेयर्स, तो उनमें ईगो कम ही होती है, तो आप उनके साथ मस्त डांस करके उन वीडियोस को सोशल मीडिया पे डाल सकते हो। और आपको T20 टीम में आने का लोड भी नहीं है, क्योंकि जिस टीम में रोहित राहुल विराट हो उस टीम में आप आ ही नहीं सकते। तो चाहे आप IPL में जितने भी रन मारे, T20 रास्ता तो बंद हो चुका है। और क्योंकि आप इतने अनुभवी वनडे प्लेयर हो, तो आप अपनी टीम को आराम से लीड करते हो और अच्छे खासे रन भी बनाते हो। तो दोस्तों, एक बार फिर से शिखर धवन एक सेकंड स्ट्रेंथ इंडियन वनडे स्क्वाड को लीड करेंगे आज से शुरू होने वाली 3 मैच की श्रृंखला में साउथ अफ्रीका के साथ, जो T20 वर्ल्ड कप से कुछ ही हफ्ते पहले हो रही है, और जिसमें 4 प्लेयर शायद ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे। अगर आपको लग रहा हो कि क्या फायदा इस वनडे सीरीज का जो एक T20 सीरीज के 2 दिन बाद शुरू हो रही है और T20 वर्ल्ड कप के कुछ ही हफ्ते पहले, मगर दोस्तों आप सोचिए कि ये 3 मैचेस कितने भारतीय प्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दीपक चाहर, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई, जो T20 वर्ल्ड कप रिजर्व में हैं और जो मेन स्क्वाड के बाद ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं, या फिर मोहम्मद सिराज, जो शायद जसप्रीत बुमराह की रिप्लेसमेंट हो अगर जो सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट मोहम्मद शमी को ना ले, या फिर शुभमन गिल, जो T20 नहीं खेलते इंडिया के लिए और जो टेस्ट टीम में अपनी जगह कायम अभी तक नहीं कर सके, मगर जिनका इस साल वनडे एवरेज 112 का है और एक के बाद एक मैच में परफॉर्म कर चुके हैं। गिल युवा खिलाड़ी हैं, बहुत साल तक इंडिया के लिए खेल सकते हैं, मगर उनको मालूम है कि जिस दिन रोहित राहुल और विराट वापस आते हैं उनकी जगह वनडे स्क्वाड में नहीं बनती। तो क्योंकि धवन अगले साल के वनडे विश्व कप के समय ऑलमोस्ट 38 साल के होंगे और रोहित 36, सिलेक्टर्स को एक युवा बैकअप ओपनर आइडेंटिफाई करना होगा फ्यूचर के लिए, तो गिल का इन चुनिंदा वनडे मैचेस में रन बनाना बहुत जरूरी है। ऐसे और भी युवा खिलाड़ी हैं जिनके लिए ऐसे मौके इंपॉर्टेंट हैं। संजू सैमसन, जो फाइनली इस साल ऐसे लगने लगे हैं कि वो भारतीय टीम में बिलोंग करते हैं। ईशान किशन, जो काफी T20 खेल चुके हैं। ऋतुराज गायकवाड़, जो 9 अंतरराष्ट्रीय T20 मैच खेल चुके हैं मगर अब तक एक वनडे नहीं। और फिर इस स्क्वाड में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं दोस्तों जिन्हें आज तक मौका नहीं मिला। ऑलराउंडर शाहबाज अहमद, जो पिछले 2 स्क्वाड के हिस्सा रह चुके हैं। राहुल त्रिपाठी, जिन्होंने IPL और डोमेस्टिक में बहुत रन बनाए। और रजत पाटीदार, जिन्होंने इस साल RCB के लिए एक शानदार शतक लगाया। दोस्तों, इन सभी बैट्समैन को पता है कि जब रोहित, विराट, राहुल, सूर्या, हार्दिक, ऋषभ पंत और दीपक हुडा फ्री होंगे तो इन सभी को बाहर बैठना होगा। तो इस लिहाज से ये 3 वनडे मैचेस बड़े मायने रखते हैं ऐसे प्लेयर्स के लिए। बॉलर्स को देखें तो यहां भी वही सिचुएशन है। आवेश खान को T20 में कई अपॉर्चुनिटीज दी गई मगर अब तक ज्यादा कुछ कर नहीं सके। कुलदीप यादव कभी कभार दिखते हैं तो वो चाहेंगे कि इन 3 मैच में वो जोरदार परफॉर्मेंस दे। शार्दुल ठाकुर भी फॉर्म में हैं और उन्होंने हाल ही में कहा कि वो मानते हैं कि उन्हें तीनों फॉर्मेट में खिलाना चाहिए। और फिर बंगाल के मुकेश कुमार को देखिए, जो बिना एक भी IPL मैच के भारतीय टीम में शामिल हुए। रही बात T20 वर्ल्ड कप की, तो बिश्नोई चाहेंगे कि वो ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले अपने सफल अंतर्राष्ट्रीय करियर को आगे बढ़ाए। और फिर अगर चहर और सिराज के बीच टक्कर है बुमराह की जगह लेने में, तो यहां भी जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है आज लखनऊ में। लखनऊ की बात करें तो कल काफी बारिश हुई वहां और आज भी बारिश की फोरकास्ट है। दोपहर का मैच है तो उम्मीद करते हैं कि सीन ज्यादा खराब ना हो। लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम पे केवल 3 वनडे मैच हुए और तीनों अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच थे साल 2019 के अंदर। वहां की पिच पर काफी उछाल होता है और लाइट्स के नीचे स्पिनर को भी सहायता मिलती है, पर ओवरऑल इस पिच पे अच्छे टोटल्स लगते हैं। तो दोस्तों, ये रहा मेरा प्रिडिक्टेड इंडियन टीम आज के मैच के लिए। धवन, गिल, श्रेयस, ईशान किशन,
संजू सैमसन, शहबाज अहमद जो डेब्यू करेंगे, शार्दुल, चाहर, कुलदीप, रवि बिश्नोई और मोहम्मद सिराज। टॉप फाइव अच्छे हैं, शहबाज ऑलराउंडर के तौर पे स्पिन फेंक सकते हैं और फिर बॉलर्स जिनमें से शार्दुल और चाहर अच्छी बैटिंग करते हैं। दिस इज माय 11। व्हाट डू यू थिंक, इंडिया मैच जीत सकती है एक टफ साउथ अफ्रीकन टीम के साथ? साउथ अफ्रीका ने अपनी बेस्ट स्क्वाड चुनी है इन तीन मैचेस के लिए, तो देखना होगा कि क्या डिकॉक और डेविड मिलर फिर से भारी पड़ेंगे इंडियन टीम पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिए और मैं आपसे मिलता हूं कल मैच रिव्यू के साथ। गुड बाय फॉर नाउ।